सर, आज डीआईजी आफताब पठान ने हमको शोकाज नोटिस भेजा। साईं, आपको पता है 6 महीना हो गया है जुल्का जखानी पीपल्स पार्टी के गुंडे दहशतगर्द, मैंने उसको शराब के साथ पकड़ा है। बतरी से मचा तो छड़ने पे पकड़ा है उसको। अभी नया फिल्म बनाकर हमारे गर्दन में डाल दिया, इसका जवाब दो। 7 दिन में न तुमको डिसमिस करेंगे। सही, आपको पता है 2 दिन पहले उसने अमर जतो पीपल्स पार्टी के गुंडे हमारे घर पर जमीन पर बैरू पर फायरिंग किया, गाड़ी को डैमेज बनाया। अभी ये वाकया हुआ है, हमको शोकास दिया है। ये हमने गुनाह किया कि क्यों हम फंस गया ये पठान लॉबी से। ये सारा पीपल्स पार्टी ने अपने आदमी लगाया इधर, वो बलो साहब पठान अच्छा था जिसने नोटिस दिया। ये अभी बंगश भी पठान, ये डियाजी साहब भी पठान, कलीम साहब भी पठान। हमने क्या कसूर किया यार इसका? मैंने शराब पकड़ा, डाकू पकड़ा, ये इंतकाम कार्रवाई पर उतर के आया है बंगश। ये सियालों का आदमी है, वो अपने आदमी गुंडे को बचाने के लिए हमको बार बार टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है। ये नहीं छोड़ते हैं तो मैं अपने बच्चों के लेकर जनाबाग में 2 दिन के अंदर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाऊंगा बच्चों के साथ। ये है शोकास नोटिस जो दिया है डीआईजी साहब ने हमको। ये देखो जुल्म, एक जाता है दूसरा जालिम आता है इधर, दूसरा जाता है तीसरा जालिम आता है, सब पीपल्स पार्टी का लॉबी है। इधर कमदारी करते हैं बस। हमने क्या गुनाह किया इन लोगों ने? हमने शराब पकड़ा, डाकू पकड़ा, ये खुद जुर्म कराते हैं ऑफिसर इधर बगल साहब डाकू के साथ मिला हुआ है, पैसे खाते हैं, लोगों को फुल फ्राई हाफ फ्राई करता है। कोई इसके रोकने वाला भी नहीं है, पाकिस्तान जंगल का कानून है, कोई सुनता ही नहीं हमारा। आवाम मर गया है हमारा। कुछ अच्छे साफी हैं जैसे आप आई हो या उर्दू चैलेंज वाले, वो मैं सुनता है। बाकी वो डाकू बैठा है जफर अबड़ो, वो तो पीपल्स पार्टी का है, वो तो हमारा पुराना दुश्मन है हमारा। वो तो हमारा मौक भी नहीं बचा, प्रेस क्लब जाते हैं उसको बोलता है साफियों को इसका मौको नहीं सुनो। हमने इसका क्या बिगड़ा है जफर बबड़े का? आप देखो सारा साफी अच्छे हैं, भला है, मैं साफ इज्जत करता हूँ। ये एक आदमी जफर बबड़ो, इसने ये प्रेसिडेंट है लड़का ने प्रेस क्लब का, ये डाकू है, ये करता है ऑफिसरों को, हमको पता है, सारे दुनिया को पता है। बापू इकबाल वो अच्छा आदमी था, ईमानदार साफ ही था। कुछ और ब्लैक मेलर साफ ही हमको ब्लैक करता है, हमारे पास कभी बोलता है टिकटॉक बनाते हो, कभी गेम बनाते हैं, हमारे खिलाफ लिखता है साफ ही। कौन सी ये दूध के धोले हुए हैं साफ ही, ये के आसमान ये एक फरिश्ता है साफ ही। ये अपना लेकी करता है, सच सच लिखो ना, हक लिखो ना। जाते हैं उधर जो साफ ही है, वो जो पैसा दे फिर तुम्हारा मौका देखे। ये हमने रिटायरमेंट का दरखास्त जमा का, ये इसका ओपन नंबर है डीआईजी ऑफिस में। जो अच्छा है हक बोलता है वो हमसे कुछ नहीं मानता है। जो राशि है ये प्रेस क्लब का जफर का आदमी, वो बोलता है पैसा दो फिर आपको लिखूंगा। ये इंसाफ, ये सच कलम, ये जुल्म। आज हम वर्दी वालों को जूते लगते हैं, हमारा वर्दी पड़ा किसी ने नहीं सुना, सारा हमारा मजाक उठाते हैं उड़ाते हैं। पागल है ये, इसको बिजली से दिमाग काम नहीं करता है। आए मैं ऑफिसर हूँ सिपाही से लेकर ऐसा बना 32 साल, पागल पुलिस में नौकरी करता है क्या? पागल तेज हमारा घूमते हैं, कभी बोलता है अबू से लड़ता है, कभी बोलता है ये पीपल्स पार्टी ये झूठ बोलते हैं। अभी हमारे घर पर फायरिंग किया है, हमारे गाड़ी को डैमेज बनाया है, क्या करें, कहाँ जाएं, किसको बोले? पाकिस्तान में तो इंसाफ नहीं है, न कोर्ट कचहरी में, न पुलिस ऑफिसरों के साथ है, कहाँ जाए? बस मैं खुद को 2 दिन के बाद हमसे इंसाफ नहीं हुआ, मैं बस बच्चों के साथ खुद को चलाऊंगा, खत्म हो जाए हमारा किस्सा।